बिलासपुर जिले में 2 दिन पहले कोटा के पटैता कोरीपारा में टीकाकरण के बाद 2 नवजात बच्चों की मौत हो गई थी। इस मामले को लेकर सियासत भी चरम पर नजर आ रही है। इस बीच पूर्व स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी 1 दिन पूर्व कोटा पहुंचे थे। इस मामले में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बड़ा निर्णय लिया है। उन्होंने राज्य स्तरीय जांच पूर्ण होने तक उस बैच की वैक्सीनेशन को बंद करा दिया है। वैक्सीन से मौत मामले में बिलासपुर जिले के दौरे पर आए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल राज्य स्तरीय टीम गठित कर जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने आगे कहा कि जब तक जांच पूर्ण नहीं हो जाती है, तब तक उस बैच के वैक्सीनेशन को रोक दिया गया है। अगर इसमें किसी की लापरवाही सामने आती है तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, बिलासपुर के कोटा क्षेत्र में 30 तारीख को 8 बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र में वैक्सीन लगाई गई और 8 में से एक नवजात बच्चे की मृत्यु शाम को ही हो गया और दूसरे बच्चे की 31 तारीख को हुई। लेकिन उसी दिन 8 बच्चों को लगा और 6 बच्चे सुरक्षित हैं, उनको एहतियातन हम हॉस्पिटल में भी भर्ती किए थे। और उसी बैच के 9000 टीकाकरण पहले भी हुआ, किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं हुई। तो चूंकि ये जांच का विषय है, जांच के बाद ही पता चलेगा कि किन कारणों से बच्चों की मौत हुई, और इसके लिए हमने राज्य स्तरीय दल का गठन कर दिया है और उस बैच के टीका को जब तक ये जांच नहीं हो जाती है पूरे राज्य में लगाने हेतु प्रतिबंधित किया है।